गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज 1.2 एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.3. एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर. ओके, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करने वाले हैं. जो भी नंबर है उसके क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करने वाले हैं. यू ऑल मस्ट हैव लर्न्ड हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यूज़ इन द प्रीवियस क्लास, येस और नो? येस, आप सभी को आता होगा प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा. तो सिमिलर वे में अभी हम यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू. सो आप सबको पता है प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू द प्लेस इनटू फेस वैल्यू. मतलब जिस प्लेस पे भी वो नंबर है वो प्लेस इनटू फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब दैट पर्टिकुलर डिजिट, जो नंबर है वही नंबर. जैसे इफ इन दिस एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4. ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, पहले तो देखो ये नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5. इट्स अ 5 डिजिट नंबर. सो डिवाइड दिस नंबर इनटू 2 पीरियड्स. सो लास्ट के 3 डिजिट का होगा 1s और बाकी बचे 2 पीरियड्स डिजिट्स का होगा 1000 पीरियड, और दोनों पीरियड्स के बीच में कॉमा लगा दिया. तो ये नंबर बना 34875, है ना. तो अभी इस नंबर में ये जो 4 है इट इज़ प्रेजेंट एट विच प्लेस, कौन से प्लेस में आ रहा है. दिस इज द हाईएस्ट प्लेस, दैट मीन्स 10,000, ये थाउजेंड्स प्लेस, ये 100 प्लेस, फिर टेंस और फिर वंस. तो 4 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 4 इज कमिंग एट थाउजेंड्स प्लेस. टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 वी शुड नो द प्लेस ऑफ द गिवन नंबर. तो 4 की प्लेस क्या है, 4 की प्लेस है 1000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी दिस प्लेस इनटू द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब दैट नंबर इटसेल्फ, मतलब 4. 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी. सो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू फिगर्स में, फिगर्स में कैसे लिखेंगे, 4 इज एट 1000 प्लेस, दैट मीन्स 1000 प्लेस पे है, इसलिए आएगा 1000 इनटू द फेस वैल्यू. इसकी फेस वैल्यू क्या है 4 की, यहाँ पे 4 है. सो 1000 इनटू 4, आंसर विल बी 4000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन फिगर्स आएगा 4000. और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे 4, द नंबर इज 4, वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू फॉर 4 एंड इट्स प्लेस. इट इज़ एट विच प्लेस, इट इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस, दैट्स वाई 4000. ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे और फिगर्स में ऐसे लिखना है. ठीक है, पता चल गया हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू इज प्लेस इनटू फेस वैल्यू. तो पहले आपको पता करना है जो भी नंबर है वो कौन से प्लेस पे प्रेजेंट है. यहाँ पे हमने 4 लिया था तो 4 वॉज प्रेजेंट एट 1000 प्लेस. सो हमें 1000 प्लेस पे है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1000 इनटू फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या है 4 की, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होगी. द फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 4, 1000 इंटू 4, तो 4000 इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर दिस नंबर. सिमिलर वे में अब हम ये एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 1.3. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 8. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8 में सॉल्व कर रही हूँ, और बाकी बचे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 and 7, ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू फॉर द नंबर 8 इन द नंबर 83409. आपको रीड नहीं करना आ रहा तो दो पीरियड्स में इस नंबर को डिवाइड करो, 1, 2, 3 के बाद आएगा कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद क्या आएगा,
comma. So it is going to be 83,409. The number is 83,409. From this number, we have to find the place value for the number 8. 8 जो है उसकी क्या करनी है, place value पता करनी है. So पता करो 8 is at which place. 8 कौन से place पे आ रहा है. It is 1's place, then 10's place, 100's, 1000's and 10,000's. That means 8 is present at the 10,000's place. That means इसकी place value आएगी place into the face value. तो 8 की face value क्या है, 8 की face value 80 है. तो 8 into the place. Place कौन सी है इसकी, 8 is present at 10,000's place. That's why 8 into 10,000 कर लो. 10,000 कैसे लिखते है पता है ना, 10,000 is a again 5 digit number. That means there will be 5 digits. तो first digit होगा 1 और उसके बाद बाकी सारे 4 digits क्या आएंगे, 0, 0, 0. So 8 into 10,000 आंसर क्या आया, मल्टीप्लीकेशन के बाद 8 into 10,000 it is 80,000. So place value of 8 is 80,000. Next, question number 3. Find the place value for 3 in the number 25,394. Similar way में हमें इसको फिर से 5 digit number को दो periods में divide करो, 1's period और 1000's period. So last के 3 digit के बाद एक comma लगा देंगे तो it will be divided into 2 periods. So पहले दो digits को हम 2 digit के जैसे number read करेंगे, 25,394. तो इस नंबर में 25,394 में हमें जो नंबर 3 है इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू. तो पहले पता करो 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100 प्लेस. सो 3 इज एट 100 प्लेस. दैट मीन्स हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फेस वैल्यू इनटू 100 करना पड़ेगा. तो प्लेस क्या है 100 और फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू विल बी 3 ओनली. सो 3 इंटू 100 दैट इज 300. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300. ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो उसके प्लेस के साथ. तो प्लेस है 100 प्लेस, दैट्स वाई 100 प्लेस मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सेवन्स इन 72,739. So we have to find out the place value for number 7 in the number 72,739. तो इस number को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बार 7 आ रहा है. तो हमें दोनों बार अलग अलग places पर 7 है, एक बार है 10,000 place पर, एक बार है 100 place पर. तो दोनों places को लेके हमें 7 की place value find out करनी है. So first of all write place value of 7 at 10,000 place. जो 10,000 place का 7 है उसकी place value find out करेंगे. So 10,000 place का 7 का प्लेस वैल्यू आएगा द नंबर 7 इंटू दैट प्लेस. प्लेस कौन सी है 10,000, दैट्स वाई 7 इंटू 10,000 करके क्या आंसर आता है 70,000. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट 10,000 प्लेस इज 70,000. नेक्स्ट 7 इज एट 100 प्लेस, दैट्स वाई प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट 100 प्लेस इज इक्वल टू 7 इंटू द प्लेस. 7 इंटू प्लेस, प्लेस क्या है 100's प्लेस है, दैट्स वाई 7 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ गया 700. ओके, सो इन दिस वे आई वॉन्ट यू टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4's इन 34,541 इन वर्ड्स. सो यहाँ पे हमने फिगर्स में लिखे थे सारे प्लेस वैल्यूज, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो प्लेस वैल्यूज है वो वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड्स में. ओके, सो आंसर यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो है, जो नंबर है 34,541, देर आर 2 4's ओवर हियर. 1 4 इज एट 10th प्लेस एंड अनदर 4 इज एट 1000's प्लेस. सो जो 1's प्लेस है और जो 1000's प्लेस है दोनों की प्लेस वैल्यूज अलग अलग आएंगी. तो दोनों की प्लेस वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4
at 1000 place. So place value of 4 at 1000 place is, पहले face क्या है उसका, face value is 4. Face value into the place, place क्या है 1000, so 4000, उसकी place value क्या बनी 4000. Second 4 is, the another 4 is present at 10th place, that's why place value of 4 at 10th place will be 4 tens. क्या आएगी 4 tens. सिर्फ नंबर लिखना है, कौन सा नंबर है 4 और उसके आगे उसकी प्लेस लिखनी है. 4 कौन से प्लेस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे, इसलिए 4 tens. यहाँ पे 4 आ रहा था थाउजेंड्स प्लेस पे, इसलिए 4000. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज द मीटर रीडिंग ऑफ कुमार्स कार. व्हाट इज द मीटर रीडिंग ऑफ कुमार्स कार, इट इज 56,754. आपने अगर कार देखा होगा तो उसमें कार में क्या होता है, एक डिस्टेंस मेजर करने वाला मीटर होता है, जो हमारी कार कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है अब तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है हमारी कार ने, वो डिजिटल मीटर के अंदर वो हमें दिखाई देता है. तो वो जो मीटर है वहाँ पे जो कुमार की कार में इतना नंबर दिखाई दे रहा है कि उसकी कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 56,754. ओके, नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए, व्हेन 1000 किलोमीटर मोर इज ट्रैवल्ड व्हिच डिजिट विल चेंज. तो उन्होंने पूछा है अगर कुमार की कार और 1000 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसके कार का जो ये डिस्टेंस का मीटर है, डिस्टेंस जो शो करने वाला मीटर है, वहाँ पे कौन से डिजिट में चेंज आएगा. ये जो 56,754 है इसमें से कौन सा डिजिट चेंज होने वाला है, वो ये लोग हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन आंसर मीटर रीडिंग. व्हाट वाज द मीटर रीडिंग, द मीटर रीडिंग वाज 56,754. Now they are saying this car has traveled 1000 किलोमीटर more. इसका मतलब क्या है, 1000 किलोमीटर more आपकी कार ने ट्रैवल करा है. That means we have to add this 1000 किलोमीटर with the previous reading. जो पहले वाला रीडिंग है उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 1000 किलोमीटर जो कार ने और ट्रैवल करा है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस इस रीडिंग के साथ क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड करना पड़ेगा. So 1000 किलोमीटर मोर मीन्स वी हैव टू ऐड 1000 विद द 56,754. और आपको पता है जब 1000 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो सिर्फ कौन से प्लेस की वैल्यू चेंज होती है, 1000 ऐड करेंगे तो 1000 प्लेस वैल्यू विल चेंज, 100 इफ़ वी ऐड 100 देन 100 प्लेस वैल्यू विल चेंज, इफ़ वी ऐड 10 देन 10th प्लेस वैल्यू विल चेंज, है ना. तो आपको अगर नहीं पता है तो सिंपल वे में आप क्या करोगे, एडिशन करके देख लोगे कि कौन सी प्लेस की वैल्यू चेंज हो रही है. तो 56,754 प्लस 1000 करके देख लो. सो आफ्टर एडिंग 1000 विद दिस नंबर वी हैव गॉट 57,754. बिकॉज यहाँ पे वंस प्लेस में 4 प्लस 0 इट इज़ 4, 5 प्लस 0 इट इज़ 5, 7 प्लस 0 इट इज़ 7, 6 प्लस 1 इज़ गोइंग टू बी 7 and 5 plus again यहाँ पे कुछ नहीं है, that's why 5 plus 0 5. So यहाँ पे सिर्फ हमें कौन से प्लेस में चेंज आएगा, कौन से प्लेस की वैल्यू चेंज होगी, 6 का बना यहाँ पे 7. that's why आंसर में लिखो थाउजेंड्स प्लेस डिजिट विल चेंज व्हेन 1000 किलोमीटर मोर इज ट्रैवल्ड. अगर 1000 और डिस्टेंस हमारी कार ट्रैवल करती है तो उसके जो डिस्टेंस वाला मीटर है, जो डिस्टेंस शो करता है, उस मीटर में सिर्फ कौन सा मीटर, कौन से डिजिट का रीडिंग चेंज होगा, सिर्फ 1000 प्लेस के डिजिट का रीडिंग चेंज होगा. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 10 सब पार्ट बी, टू चेंज द डिजिट 7 to 8 हाउ मच मोर डिस्टेंस नीड्स टू बी ट्रैवल्ड. उन्होंने पूछा है यहाँ पे
जो डिजिट 7 है, जो डिस्टेंस का मीटर शो कर रहा है जो रीडिंग, उसमें जो 7 है उसको 7 से 8 में कन्वर्ट करने के लिए या 7 से 8 में चेंज करने के लिए कार को और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो पहले अब देखो आंसर में कि व्हाट इज़ द रीडिंग, व्हाट वाज द प्रीवियस रीडिंग। द प्रीवियस रीडिंग वाज 56,754 है, एंड हियर वी हैव टू चेंज दिस 7 इंटू 8। 7 को क्या करना है, हमने 8 में चेंज करना है। तो पहले लिखो हर एक डिजिट कौन से प्लेस पे। 4 इज़ एट 1 प्लेस, 5 इज़ एट 10 प्लेस, 7 इज़ एट 100 प्लेस, 6 इज़ एट 1000 प्लेस एंड 5 इज़ एट 10,000 प्लेस। सो इसमें से 7 है कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में। तो अगर हमें 100 प्लेस की वैल्यू चेंज करनी है या 100 प्लेस की रीडिंग चेंज करनी है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर 1000 प्लेस चेंज हो रहा है दैट मीन्स वी आर एडिंग 1000, 100 प्लेस चेंज हो रहा है दैट मीन्स वी आर एडिंग 100, 10 प्लेस चेंज हो रहा है मतलब वी आर एडिंग 10, है ना। तो सिमिलर वे में यहाँ पे 100 प्लेस नंबर 7 इज़ गेटिंग चेंज्ड इनटू 8, 7 का क्या बन रहा है 8, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड 100, है ना, वी आर गोइंग टू ऐड 100 सो दैट वी कैन चेंज दिस 7 इंटू 8। तो देखो यहाँ पे 7 इज एट 100 प्लेस, टू चेंज 7 इंटू 8 कार शुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स मोर। 100 प्लेस की अगर रीडिंग चेंज करनी है दैट मीन्स हमारी जो कार है उसको 100 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा, तो तभी जाके हमारी कार का जो 100 प्लेस का नंबर है वो 7 से क्या बनेगा 8। और 7 के आगे सिर्फ एक ही नंबर चेंज हो रहा है, 7 प्लस 1 इट इज़ 8, दैट्स वाई हमें सिर्फ 100 ऐड करना पड़ेगा, 200 नहीं ऐड करना पड़ेगा या 300 नहीं ऐड करना पड़ेगा। 100 क्यों ऐड कर रहे, बिकॉज 7 प्लस 1 इज़ 8, 9 होता तो 7 प्लस 2 इज़ 9, दैट्स वाई वी नीड टू ऐड 200, बट यहाँ पे 8 है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू ऐड 100। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सिमिलर सिंपल वे में आप क्या करोगे, 56,754 में आप 100 ऐड करके देख लो क्या आता है आंसर, 56,854 एंड वी गॉट द नेसेसरी चेंज ओवर हियर, वी हैव चेंज्ड 7 इंटू 8, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 100 मोर और वी हैव टू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स मोर टू चेंज 7 इंटू 8। ओके, नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी टाइम्स इज द 5 ऑन द लेफ्ट ग्रेटर दैन द 5 ऑन राइट। उन्होंने पूछा है 5 ऑन द लेफ्ट कितना बड़ा है 5 ऑन द राइट। जैसे ये जो नंबर है द मीटर रीडिंग इज 56,754 एंड इट हैज़ 2 फाइव्स इन द रीडिंग, 1 5 इज प्रेजेंट एट द 10,000 प्लेस एंड अनदर 5 इज प्रेजेंट एट द 10th प्लेस। सो ये जो 5 है 10,000 प्लेस का, दिस 5 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस 5 विच इज एट द 10th प्लेस इट इज प्रेजेंट एट द राइट साइड। तो दे आर आस्किंग दिस लेफ्ट साइड 5, हाउ मेनी टाइम्स दिस लेफ्ट साइड 5 इज ग्रेटर दैन द 5 ऑन द राइट साइड। जो ये लेफ्ट साइड का 5 है वो राइट साइड के 5 से कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड दिस वी नीड टू फाइंड द प्लेस वैल्यू फॉर द बोथ द 5s। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों 5s की क्या करनी है, प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो 5 ऑन द लेफ्ट हैज़ प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू क्या आती है, जो लेफ्ट साइड का 5 है उसकी पता करो, इट इज़ गोइंग टू बी 5 इंटू 10,000 बिकॉज दिस 5 इज प्रेजेंट एट 10,000 प्लेस। सो 5 इंटू 10,000 इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 50,000। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर द 5 ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड का 5 है इट इज़ प्रेजेंट एट द 10th प्लेस। सो 5 इंटू 10 क्या आई गई इसकी प्लेस वैल्यू, 50। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है,
आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो 50,000 डिवाइडेड बाय 50 करके देख लो, या आप सिर्फ इनके जो कॉमन प्लेसेस हैं उसमें से जीरोज उतने कट कर लो। कितना हो गया ये कॉमन जीरोस कट करने के बाद? यहाँ पे आया 5,000 और यहाँ पे आया 5। सो 5,000 डिवाइड बाय 5 करके देख लो, आप रफ में करके देख लो कैलकुलेशंस, आपको नहीं पता है तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो। 5 1 5 5 -5 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 0, 0 -0 इट इज़ गोइंग टू बी 0 ओनली। नेक्स्ट डिजिट इज़ अगेन 0, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 0। नेक्स्ट डिजिट इज़ अगेन 0, क्या आया? 5,000 डिवाइडेड बाय 5 1,000। सो यहाँ पे लिखो 1,000 टाइम्स 5 ऑन द लेफ्ट इज़ ग्रेटर दैन द 5 ऑन द राइट। कितने टाइम्स बड़ा है जो लेफ्ट साइड का 5 है वो राइट साइड के 5 से? 1,000 टाइम्स। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले आप उसकी प्लेस वैल्यू पता करो, या तो आप सिर्फ उसके जो प्लेस है, ये जो 5 है इट इज़ एट 10,000 प्लेस, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 कर लो। इसकी प्लेस है 10,000, इसकी प्लेस है 10, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 करके देख लो, क्या सेम ही आंसर आने वाला है? 1,000 टाइम्स 5 ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर दैन द 5 ऑन द राइट। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.3 वी विल सॉल्व देम ऑन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।